हे गाइस, आप सभी लोग का एक बार फिर स्वागत है पोके एडवेंचर में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और बिल्कुल नया गेम जो कि है पोकेमोन का, और बहुत ही बेस्ट ग्राफिक के साथ ऐप है, गेम है ये गाइस। और पूरा हिंदी में गेम प्ले होने वाला है इस गेम का, और आप इसके ग्राफिक को देख ही सकते हैं। और इस गेम का जो नाम है वो है पोकेमोन लाइफ वर्जन, और ये हैग्रोम है जो कि डियोनेन ने दिया है। चल इसको स्टार्ट करते। तो गाइज, मैंने इस गेम को अप्रोक्सीमेटली पूरा ख़त्म कर दिया है, बस मैं बेजेस बता रहा है, तो हम इसको वापस से न्यू गेम करते हैं। तो ये सब बातें हैं गाइज इसमें, तो इसको हम स्किप करते हैं। और हेलो देयर, ग्लेड टू मीट यू, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पोकेमोन। माय नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, पीपल थिंक दैट आई एम सॉर्ट ऑफ लेजेंड। Maybe I am just simple character. The life is inhabitant of white creature called Pokemon. Guys, यहाँ पे इसने पिकाचू दिखाया है, but पिकाचू देगी नहीं। For some people, Pokemon are pets, other than usually battle. बिल्कुल। But first, tell you about yourself. Now tell me, are you boy or girl? Of course, यार, boy. Okay. Let's begin with your name. Okay, तो name जो हमेशा देते हैं हम। ओके, तो चलते हैं हम। तो गाइस, देखा आपने, विशेष उठ जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। तुम्हारा सारा सामान उठाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात करनी है। तो ठीक है, हमको एक पॉकेट एक्स मिल चुका है, और ओके, रनिंग शूज मिल गए। इंस्ट्रक्शन से होल्ड बी टू रन, ठीक है। और एक पोकेबॉल मिली है, ठीक है। ये 5 पोकेबॉल है, वैसे देख सकते हैं 5 पोकेबॉल्स अपने पास है ना। और आगे चलते हैं, हमें हमारे फादर से मिलना है वैसे। गाइज, ये बनेगी हमारे स्टार्टअप पोकेमोन, इसका नाम है फ्लैबी। हाँ तो गाइज यही है, कोई निकनेम नहीं। बहुत हुआ गाइज, ये हमारे फादर हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अपने पोकेमोन को अपनी पोकेबॉल में रखा करो। ठीक है पापा। हो माय, तुम अभी प्रिपेयर नहीं हो बाहर जाने के लिए, बाहर सेफ नहीं है, तुम ये जानते हो। तुम्हें जरूरत है कि तुम रेडी रहो। क्या तुम सच में जाना चाहते हो? Is there anything I can do now that might make change your mind? शायद कुछ चीजें हैं जो तुम्हारा माइंड चेंज कर दे। What am I doing? It's your own will. You wanted since we were a child. I was explore the universe just like always said. Yeah. ऐसी तो क्यों घूम रहे हैं वैसे? और तुम मेरे सन हो, मैं तुम्हारे ड्रीम्स को कॉन्गर करूँगा। कॉन्गर का मतलब नहीं पता। ओके, तो एकम्प्लिश करते हो, सीक एंड मच मोर, दैट्स व्हाट आई मीन्ट मदर वुड हैव सेड। ओके गाइस, में मदर भी हमारी, शी वुड हैव सपोर्टेड यू, एंड दिस व्हाट आई एम डू, आई प्रोमिस। प्लीज मीट मी By the statue, it's better for the place. Goodbye. Not there. You know my purpose. Guys, वैसे तो मेरे को इस गेम की पूरी स्टोरी पता है, पर हम इसको खेले तो ही मजा आएगा। Hey, ये टिकट लो, ऑर्डर है। SS टिकट मिल चुका कई जम में, ठीक है। Watch, the ship is arrived today, but no need to hurry. They won't shut off without you. ठीक है, और क्या आएगा? I won't see you over here anymore, right? Well, you should take this. क्या दे रहा है और? अच्छा, एक पोशन दिया उसने, ठीक है। I am pretty sure that might need it. बिल्कुल। Not that you are weak. It's just that have idea what you find the world. A bunch of crazy people, I suppose. You just can't trust anyone nowadays.
बिल्कुल मतलब आप पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वेल यू कैन ट्रस्ट मी इफ यू वांट। अच्छा भरोसा कर सकते हैं चाहो तो कर लेते हैं, क्या है। चलो 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 गाइज, हाँ मैं बता दूँ उसमें पोकेमॉन सेंटर नहीं है। दिस इज ब्लू क्रिस्टल, यू नो हाउ इट्स वर्क राइट। बिल्कुल मुझे पता है, हमको टच करेंगे तो गाइस प्रोग्रेस सेव हो जाएगी और हम पोकेमॉन को उससे हेल्प भी कर सकते हैं। और क्या बता रहा है, और ये ग्रास बता रहा है हमको, ठीक है। मैंने देखा तुम्हारे पापा को इधर जाते हुए, गुड लक, रिमेंबर ऑलवेज तुम हमारे घर पे ही रहो। ओके गाइस जा है, ये क्या कर रहा है, सुन ले। हो, उसने मेरा पोकेमॉन चुरा लिया, तुम मुझे मेरी फ्लैप बेबी वापस करो। ओ गाइस वो तो इसके ऊपर से निकल गया। गाइस ये बता देता हूँ आपको मैं पहले, देखो ये ब्लू क्रिस्टल है, अगर हम इसको टच करेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू, पीसी जैसा काम करके या तो हम सेव कर सकते हैं या फिर हमारे पोकेमॉन को हील कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पोकेमॉन हील हो चुके हैं और साथ में आपको ये पीसी भी मिलता है, ठीक है। फिलहाल तो खाली है पीसी। नेरो पाथ, सो मेनी सिगरेट्स। अच्छा, अ वियर्ड गाय विथ रेड हेयर जस्ट बम्प्ड इनटू, ही वाज लाफिंग। तो गाइस आप इसे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये इधर, ये तो बोल रहा है ना कि नेरो पाथ सो मेनी सिगरेट्स, यानी कि यहाँ अंदर जाना है हमें। ओके ठीक है, हमें जाना है फिर तो, कहाँ जाना है यार, मैंने उसको पकड़ तो लिया था एक दिन। हाँ ये रहा, लुक यू हैव नेरो पाथ, फॉलो इट। यस, तो देखिए गाइस ये आ चुका है। हो तो तुम यहाँ पर आ ही गए, तुम मेरे जैसे फास्ट नहीं हो पर यू वांट इट टफ, ठीक है। फ्लेबिली स्टार्टिंग बिकम इनपेशेंट विशेष, हियर टेक योर पोकेबॉल बैग। अच्छा गाइस ने हमको दे दी, हमें बिटर करनी चाहिए ताकि हम देख पाए। मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं, पर तुम अपने पोकेमॉन का टेक केयर रखना, तुम मैच्योर नहीं दिखते हो। फेबिली को क्या बोल रहा है ये, सीम्स टू गेट अलोंग रियली वेल विद दिस वियर्ड गाय, स्पेशली व्हेन यू नोइंग अमेजिंग लिटिल फ्रेंड इज इन योर हैंड्स, शो मी व्हाट यू हैव गॉट। अच्छा गाइस सब बैटल हो रही है हमारी, इसके ग्राफिक्स देख सकते हो आप लोग, इसने नाम नहीं बताया पर इसके पास गाइस पिकाचू है। ओके तो आई थिंक टेकल से कुछ परफेक्ट होगा। गाइस मैं कभी भी ग्रास टाइप लेता नहीं हूँ पर इसमें हमको स्टार्टर एक ग्रास टाइप दिया गया है, मतलब कोई चॉइस ही नहीं दी ना इसने तो हमको, डायरेक्ट यही पकड़ा दिया हमको। तो ठीक है हम जीत चुके हैं इसी के साथ, 85 XP, 80 rupees दिया उसने। गाइस तीनों वर्क बोलते इसके पास, तुम स्ट्रॉन्ग हो विशेष, तुम्हारी ट्रेनिंग अच्छी रहेगी फ्लैबी के साथ, पर मैं तुम पे हमेशा मेरी नज़र रहेगी, जाओ और जाके बात करो अपने फादर से, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अल्सो मेरा नाम है बेंगा, नाइस टू मीट यू। ओके बेंगा सच्चा नाम है, बेंगा। फ्लैबिली वापस आओ क्योंकि पापा देख लेंगे तो वापस से चिल्लाएंगे। लोला गाइस कैसे नाम है, बेंगा लोला। विशेष, ओ यू फाउंड अ हिडन ग्रोटो, I am scared of them. They might items, but they might have dangerous Pokemon too. Oh, my weird inside there. Trust point. Guys, मैं trust point भी मिलते हैं। Actually होता है क्या, अगर हम किसी पे trust करेंगे वो change हो जाएगा उसका एक near you. तो for this you occur you chosen trust and not to trust everyone through action. The result choice might change this story. अच्छा. Tell Lola about Benga. बिल्कुल बताएंगे हम वोट। अच्छा हमको देखो लोला का एक ट्रस्ट पॉइंट मिल गया, क्योंकि हमने इसको बात बताई, इसलिए उसने मेरे पोकेमॉन क्या तुम उसने तुम्हारे पोकेमॉन चुरा लिए कैसे ट्रेनर से इस दुनिया में। ओके तो तुम स्ट्रॉन्गर हो के केयरफुल है राइट, ठीक है ठीक है। तो वैसे देखो अगर हम यहाँ जाएंगे
My job is plus seven. I am a professional. उससे बात करते हैं. This is all kind of what I have seen before. और कई जगह हम यहाँ जाना चाहेंगे तो यहाँ देख सकते हो. This band playing nice song. इनका सॉन्ग सुनाता हूँ मैं. तो गाइस अच्छा था ना. और ये आई एम श्योर आई कैन हियर द साउंड ऑफ वाटरफॉल बट आई डोंट नो वेयर इट इज. ओके यहाँ कुछ भी नहीं है. शीप अभी अराइव नहीं है, प्लीज बाद में आना. हाँ तो ठीक है गाइस, अगर हम इधर जाएंगे तो ये ऐसा ही बोलता है हमेशा. और ये बाद में हमको ले जाएगा. एक और रॉकस्टार पीपल टिप्स देते कि मैं बहुत ही स्वीट सेंट पीटर स्टंट्स करता हूँ. तो गाइस हमें पोकेमोन को हील कर लेना चाहिए. नहीं यार नहीं सेव नहीं, हमको करना है ना हील. ओके गाइस हील हो चुके हैं. गाइस में मैंने जब पहली बार स्टार्ट किया था मैंने खाली 3 पोकेमोन ही पकड़े थे. और राइट तो इससे बात करते हैं. द सनफ्लावर इज माय चाइल्ड. ठीक है. द टाइप्स ऑफ डेड जंप ग्रास डिपेंड्स ऑन रीजन यू कैन फाइंड पोकेमोन इजीली सरप्राइज्ड. ओके तो पहला पोकेमोन आ चुका है बिडूफ, जिसे हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं. तो आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं. ये क्या बोल रहा है. मेरी होल फैमिली यूज करती है इस प्लेस पे आना. मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं ही बचा हूँ जो इस लव में रह गया हूँ. ओके तो ये रहे हमारे फादर. मेरे को पूरी स्टोरी पता है. ये हमारी मदर की स्टैचू है. ठीक है फादर. ओ दिस स्टेज इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. मेमोरीज फ्रॉम टाइम जब मैं लव करता था इस पूरी दुनिया में और इस पूरी वर्ल्ड में मैं जाता था. लव मैटर नहीं करता है. ओके गाइस ये हमारी मोम है. अच्छी लग रही ना. चलो ठीक है और स्टार्ट करते हैं. एक समय था जब तुम्हारी मदर और मैं साथ में थे. वो बहुत ही क्रेजी थी फ्लावर्स को लेके. मैं अंडरस्टैंड नहीं था क्यों क्या करे. बट उसने टीच किया हाउ टू लव विदाउट फियरिंग. बिना डरे हम कैसे प्यार कर सकते हैं. और वो बहुत ही केयरिंग थी और थिंग्स थी. वो जानती थी कि हमारा फार्म है जो कि क्रिएट करता हार्मोनी बिटवीन अस. इट वॉज द बिगेस्ट विश अ प्लेस वेयर वुड ग्रोन अप एंड बी योर सेल्फ डिस्पाइट अदर्स विदाउट जजमेंट. वी न्यू इट वुड बी हार्ड. व्हेन शी वेंट अवे आई लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय होप्स. ओके गाइस आई न्यू वुड ऑलवेज स्टे अप साइड्स सो आई डिडंट गिव अप. This statue is my homage to her for and for all she did for us. Grace, hope and sweetness and share every day. Okay, finally I realized the flourish and of the flowers. Blah blah blah. Our presence of celestial life. ठीक है खत्म तो काम की बात. But she did not. बात करते हैं इनसे. क्या तुमने अचीव कर लिया. Okay, बहुत सारी मुश्किलों के बाद तुम ग्रोन अप हुए हो मैन. मुझे पता है कि कहीं ना कहीं तुम में भी प्राउड है ह्यूमन बनने का. तो तुम बिगेस्ट हर्ट हो किसी का जो कि गारंटेड हो. मैं सोच रहा हूँ कि लिटिल बिट टाइम तो हाउ अबाउट ऑन द टॉप पे जाते हैं. कम ऑन जस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड जस्ट एग्जॉस्ट ऑन द मिडिल वे. इससे बात करते हैं. फ्लोरिंग ऑफ पाथ लोकेशंस. ओके और ये डैशिंग ऑल्सो डायरेक्शन वेयर आर यू. गाइस ये फाइट करेगी हमसे और ये भी फाइट करेगी और ये वाला बंदा फाइट नहीं करेगा हमसे. तो इधर कुछ है. ओके गाइस से तो बच के निकल के अपन आराम से और चलते हैं अपन. हम इनसे ना गाइस अगले एपिसोड में फाइट करेंगे. और ये भी फाइट नहीं करेंगे हमसे और ये भी नहीं करेगा. अच्छा कर दे. तुमने मुझे फिशिंग करने से क्यों रोका है बच्चे. ओके इसके पास दो मैजिक आप गाइस मैजिक आप. ओके टेकल यूज करते हैं हम. ओके गाइस मैंने इसकी स्पीड अप करा है कि बाइंड भी बग है.
फिर से वही ओके को नया अटैक सीख गए है हमने फ्लोबेली। फिशिंग थेरेपी बहुत ही बेस्ट थेरेपी है। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, और अगले एपिसोड में हम बहुत ही और अच्छे अच्छे एडवेंचर करने वाले हैं। सो तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बनल भी मिला है। तो गाइस प्लीज 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 स्टेचू का ये मदर की, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना इस गेम के लिए, और आपको इसके गेम प्ले चाहिए और ये गेम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अगर आपको और गेम प्ले भी चाहिए इस गेम के तो आप मुझे बता सकते हैं, और इसमें वेजेस दे रहा है तो ओके कलेक्ट करने पड़ेंगे हमको मतलब। ठीक है तो फिर गाइस मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए इन्जॉय करो।